नमस्कार दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का डर हो गया है कि उनकी कुर्सी 2024 में कहीं चली ना जाए। नरेंद्र मोदी का कुर्सी डगमगा रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कुर्सी को बचाने के लिए वो हर चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप आजाद हिंदुस्तान के, आजाद इंडिया के और आजाद भारत के लोग कभी सोचे नहीं होंगे। जी हां, अगर मैं कह रहा हूं कि कभी सोचे नहीं होंगे तो इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कुर्सी को बचाने के लिए देश का नाम बदलने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस इंडिया का नाम बदल देंगे, जिस इंडिया के नाम से पूरे विश्व भर में वो जाने जाते हैं। जब विश्व के किसी देश में नरेंद्र मोदी जाते हैं तो ये साफ तौर पर कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी। जब वो देश के किसी अलग हिस्से में जाते हैं तो वहां भी इस बात का उच्चारण किया जाता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया नाम जो हमें बहुत गर्व से कहना पसंद है, जो हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं, तो आप अब ये सोच लीजिए कि नरेंद्र मोदी इसमें भी बदलाव करने वाले हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में साफ तौर पर संविधान में देश के नाम का जो परिभाषा है उसमें लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत, अर्थात इंडिया ही भारत है। हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में कहते हैं आई लव माई इंडिया, वहीं हम हिंदी में कहते हैं मुझे अपने भारत से प्यार है। लेकिन अब उस इंडिया नाम के साथ नरेंद्र मोदी वो करने जा रहे हैं जो पूरे देशवासियों ने कभी सोचा नहीं होगा। देखिए, नरेंद्र मोदी की रणनीति है कि इंडिया नाम को खत्म कर देना। देखिए, इंडिया नाम बड़े गर्व के साथ जो हम हिंदुस्तानी, जो हम इंडियन, जो हम भारतीय कहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कुर्सी को बचाने के लिए, खुद को राष्ट्रवादी नेता कहलाने के लिए उस नाम के साथ भी खिलवाड़ करने जा रहे हैं। संसद का जो विशेष सत्र 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक बुलाया गया है, इस सत्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो फैसला लेंगे जो फैसला होने के बाद आप ये गर्व से नहीं कह सकते हैं कि मैं इंडियन हूं, मेरा देश इंडिया है। जो भारतीय टीम, जिसे हम कहते हैं टीम इंडिया, जब किसी देश से भारतीय बल्लेबाजों का मुकाबला होता है तो कहा जाता है इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेज बांग्लादेश, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड। अब वो चीजें नहीं कह पाएंगे और इसके पीछे के डर की वजह क्या है वो आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, लेकिन इस चुनाव से पहले विपक्ष की 28 पार्टियां एकजुट हो गई है। नरेंद्र मोदी जी इस बात को नहीं जानते थे, नहीं सोचे थे कभी कि विपक्षी पार्टियां एक हो जाएगी। वो तो सोच रहे थे कि विपक्ष में दरार है, फूट पड़ा हुआ है और इसका फायदा हमें मिलेगा, विपक्षी वोटों का बंटवारा होगा और हमेशा बीजेपी चुनाव जीतती रहेगी। फूट डालो और शासन करो की रणनीति पर बीजेपी कार्य करती रहेगी। लेकिन 24 के चुनाव से पहले अब तक 28 विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर आने को तैयार है। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के इस विशेष सत्र के दौरान इंडिया नाम को इस वजह से हटा रहे हैं क्योंकि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया का नाम यह दर्शाता है कि विपक्ष के नेताओं ने नरेंद्र मोदी सहित आरएसएस और बीजेपी को यह संकेत और संदेश दिया कि हमसे बड़ा राष्ट्रवादी आप नहीं हो सकते, हमने तो अपने गठबंधन तक का नाम देश के नाम पर रख दिया, फिर आप कैसे कहेंगे कि आप राष्ट्रवादी हैं। नरेंद्र मोदी को इस बात का डर है, नरेंद्र मोदी को इस बात का आभास हो गया है कि उनकी कुर्सी चली जाएगी। वो चाहते हैं
फिर से एक बार बदलाव करना, संविधान में छेड़छाड़ करना, जिस संविधान के अनुच्छेद 1 में इस बात का जिक्र किया गया है, इंडिया दैट इज भारत, वहां से इंडिया को हटाकर सिर्फ और सिर्फ भारत रख देना। अब जरा सोचिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया अलायंस नाम, अलायंस का नाम इंडिया रखने के बाद देश के नाम के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कुर्सी को बचाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम आजाद हिंदुस्तान के वासी हैं, हमने जब से पैदा लिया है तब से हम ये कहते हैं आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। और नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं विदेशों में जाते हैं, जब विश्व के अलग अलग देशों में जाते हैं तब उन्हें बहुत गर्व होता था यह सुनकर कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन अब प्रधानमंत्री को कुर्सी का डर है, तो भैया कुर्सी क्या ना करावे, नरेंद्र मोदी जी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस देश के नाम को बदलने जा रहे हैं। जी हां, देश का नाम बदलने जा रहा है, यह अपने आप में एक शर्मनाक है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने यह इस बात का अपील किया है कि आप लोग इस देश का नाम इंडिया ना ले। अब जरा सोचिए कि विपक्षी गठबंधन ने अपने स्लोगन में क्या रखा है, जीतेगा इंडिया जुड़ेगा भारत। अब जरा सोचिए नरेंद्र मोदी जी आप वहां से क्या करेंगे, क्या भारत नाम भी आप हटा देंगे, क्या आपको इस देश से, इस देश के इतिहास से, इस देश के संविधान से इतना सा भी प्यार नहीं है। देश के प्राइम मिनिस्टर अपने कुर्सी को बचाने के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, और हमें लगता है कि इस आजाद हिंदुस्तान में आपने अगर जन्म लिया हो, आपने पैदा लिया हो, तब से आप एक ही चीज सुनते आ रहे हैं, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया इंडिया इंडिया, और फिर आप गर्व से कहते थे आई लव माय इंडिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे बदलने जा रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।